हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवम उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल द होम्योपैथी पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नई मेडिसिन के साथ। दोस्तों, ये जो आज की दवा है वो खास करके बच्चों में वीकनेस के लिए काम आती है। काम तो दोस्तों बड़ों में भी आती है, लेकिन ये बच्चों के लिए खास टॉनिक का काम करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मेडिसिन, आज का वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज की हमारी मेडिसिन है एब्रोटिनम। दोस्तों, एब्रोटिनम मेडिसिन, इसको कॉमन नेम में हम कहते हैं सदर्न वुड। ये कंपोजिट फैमिली से बिलोंग करती है फ्रेंड्स। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है फ्रेंड्स। इसकी प्रूविंग कशिंग डेवेंटर गैसल ने की थी। नाम थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन याद करना पड़ेगा चाहे जैसे। कशिंग डेवेंटर गैसल, ये इसके प्रूवर हैं एब्रोटिनम के। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मियाज्म, इसके टेम्परामेंट, इसके डायथेसिस, इसके हॉट एंड कोल्ड रिलेशन के बारे में। दोस्तों, इसका मियाज्म सोरा होगा। इसके बैकग्राउंड में पेशेंट के सोरा मियाज्म कैरी करे गए हैं, पेशेंट सोरिक होगा। बात कर रहे हैं इसके टेम्परामेंट का, तो दोस्तों इसका टेम्परामेंट इनह्यूमन टाइप होगा, क्रूअल टेम्परामेंट होगा। डायथेसिस फ्रेंड इसका ट्यूबरकुलर डायथेसिस होगा। अब बात करते हैं इसके हॉट एंड चिली रिलेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये चिली पेशेंट होगा, चिली नेचर का पेशेंट होगा। इसे ठंड से दिक्कत होगी, एग्रावेशन होगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कैसा होगा, कैसा दिखेगा, कैसा स्वभाव होगा इसका। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही वीक टाइप का चाइल्ड होगा। मैरास्मस इसके अंडर मार्क्ड होगा, खास करके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। इमेशिएशन देखा जाएगा इसके अंदर। फ्रेंड्स, इसके बात करें चेहरे की, तो इसका चेहरा झुर्रियों से भरा होगा, ढेर सारी झुर्रियाँ इसके चेहरे पर लटक रही होंगी। आँखों के पास काले नीले रंग के घेरे होंगे, बीमार सा दिखेगा। उसको बात करते हैं इसके एक खास सिम्टम के बारे में, इसमें नॉइंग हंगर है। दोस्तों, नॉइंग हंगर मीन्स कि इतनी तीव्र भूख होती है इसे, बहुत ही भयंकर तरीके से भूख लगती है इसे। दोस्तों, ऐसा नेट्रम्यूर, ट्यूबरकुलिनम या आयोडम में पाया जाता है नॉइंग हंगर। नॉइंग हंगर होने के बाद भी दोस्तों ये अपने बॉडी को वीक पाता है, इसकी बॉडी धीरे धीरे करके वीक हो जाती है। नॉइंग हंगर है फिर भी, भूख बहुत तेज लगती है, खाता भी है, लेकिन फिर भी मल न्यूट्रिशन इसके अंदर देखा जाता है। दोस्तों, मल न्यूट्रिशन कहाँ दिखेगा, खास करके आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। इमेसिएशन कहाँ दिखेगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसका सिम्टम। नॉइंग हंगर तो मैंने बताया, तो ये नेट्रम्यूर, ट्यूबरकुलिनम, आयोडम। दोस्तों, खास करके आयोडम से बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती मेडिसिन है ये। उसमें भी भूख तगड़ी होती है, लेकिन फिर भी अपने मांस को खोता जाता है धीरे धीरे पेशेंट। इसमें भी ऐसा सिम्टम है कि धीरे धीरे अपने शरीर को, मांस को, अपने इसकी मांस क्षीण होती जाती है धीरे धीरे करके। उसमें भी मल न्यूट्रिशन, इसमें भी मल न्यूट्रिशन। दोस्तों, बात करते हैं हम इसके हाथ पैर, इसका सर कैसा होगा, वीकनेस, इसके वीकनेस के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, ये इतना वीक होगा पेशेंट
कि अपने सर को, अपने हेड को होल्ड नहीं कर पाएगा एक जगह पे, लटक जाएगा ऐसा सर। कुछ ध्यान से काम करेगा तो ऐसा लटक जाएगा उसका सर एक तरफ कहीं भी। इतने ज़्यादा वीकनेस है कि अपने सीधा अपने गले को सीधा रख नहीं सकता वो। दोस्तों इसके अंदर एक खास सिम्टम देखा जाता है, कॉन्स्टिपेशन के साथ अल्टरनेशन पे डायरिया होगा। अगर डायरिया है तो अल्टरनेट पे कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के अल्टरनेट डायरिया। फ्रेंड्स ऐसा सिम्टम कई सारी मेडिसिन में है, जैसे कि एंटिम क्रूड, एंटिम टार्ट, नक्सोमिका, पोडोफाइलम, विराटम अल्पम, सल्फर एसेट्रा। इन सब मेडिसिन में ऐसा मिलता जुलता सिम्टम है कि डायरिया अगर हो रहा है तो उसके अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन के अल्टरनेट डायरिया। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसकी स्टूल की। स्टूल मैंने बताया अल्टरनेट डायरिया, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, लेकिन दोस्तों इसका स्टूल हम जब देखेंगे, वॉच करेंगे इसके स्टूल को, एग्जामिन करेंगे, तो इसमें अनडाइजेस्टिबल थिंग्स दिखेंगे। जो खाया है वो पचा नहीं है, डायरेक्ट निकल गया है। भूख तो तीव्र थी, खाया भी अच्छे से, लेकिन वो चीज़ पच नहीं रही है। इस वजह से ही इसे मल न्यूट्रिशन है, इस वजह से ही इसे वीकनेस है। दोस्तों एक और ख़ास बता दूं मैं बात, इसके अंदर रूमेटिज्म की जो शिकायत है, रूमेटिज्म के लिए भी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है ये एब्रोटेनम। इसका रूमेटिज्म सिम्टम ऐसा है कि इसकी जॉइंट्स जो होंगी वो स्टिफ होंगी, स्टिफनेस होगा इनके जॉइंट्स में। फ्रेंड्स अगर हम कोई हार्ड लिनिमेंट्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल कोई भी मेडिसिन हम अप्लाई करते हैं, या किसी भी तरीके से कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन अगर हम दे के पेशेंट को उसके रूमेटिज्म कंप्लेंट को सप्रेस कर दें, तो उससे इसके अंदर एक नई बीमारी जनरेट हो जाती है, उसके अंदर हार्ट के कंप्लेंट्स जनरेट हो जाते हैं। अगर हम इसके रूमेटिज्म को, उसके सिम्टम को रूमेटिज्म वाले सप्रेस कर दें, चाहे जैसे कि लिनिमेंट्स, हार्ड लिनिमेंट्स आप मान सकते हैं, जैसे मूव हो गया, वॉलिनी हो गई, इस टाइप के जो लिनिमेंट्स आते हैं उसको अप्लाई कर देते हैं तो आराम हो जाता दर्द में। लेकिन वो आराम नहीं होता, वो सप्रेस हो जाता है, बीमारी सप्रेस हो जाती है। जो इसका पेशेंट होगा एब्रोटेनम का, उसके अंदर ऐसा करने से हार्ट की, कार्डियक की डिजीज़ जनरेट हो जाएगी, कुछ ना कुछ, चाहे वो कुछ भी हो, हार्ट की रिलेटेड कोई भी डिजीज़ जनरेट हो जाएगी, हार्ट कंप्लेंट जनरेट हो जाएंगे। दोस्तों इसमें क्या है, जो उसका कार्डियक सिम्टम है वो अल्टरनेट होगा, जब हम सप्रेस करेंगे फिर ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक कार्डियक के लिए भी मेडिसिन मानी जाती है, कार्डियक की मेडिसिन नहीं, रूमेटिज्म में ये मेडिसिन देते हैं। ऐसे पेशेंट जिनका सप्रेस रूमेटिज्म के कारण कार्डियक स्टार्ट हुआ है उसमें ये काम करेगी, उसको क्योर कर सकती है। दोस्तों इसमें रूमेटिज्म अल्टरनेट होता है डायरिया के साथ। रूमेटिज्म इज चेक्ड बाय डायरिया। इसमें जो इसका कॉज होता है रूमेटिज्म का, चेक्ड डायरिया के कारण भी हो सकता है। फ्रेंड्स इसका गाउट सिम्टम की बात करें हम, तो गाउट स्वेल्ड होगा, इन्फ्लाम्ड होगा, इन्फ्लामेशन के साथ स्वेलिंग होगा इसके गाउट में। फ्रेंड्स ये प्लूरेसी के लिए अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इवन प्लूरेसी में ब्रोनिया या एकोनाइट ये बेस्ट नोन मेडिसिन है प्लूरेसी में। लेकिन अगर ब्रोनिया और एकोनाइट दोनों फेल कर जाएं, फिर जाके एब्रोटिनम आपकी अच्छे से क्योर कर पाती है उस चीज़ को, प्लूरिसी को। दोस्तों प्लूरिसी मतलब होता है कि जो प्लूरा होता है हमारा, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे प्लूरिसी कहते हैं। वो किसी भी कारण हो, चाहे आपको कोई चेस्ट का कंप्लेंट पहले से हो या निमोनिया हो गया हो, किसी भी कारण उसके इन्फ्लामेशन में, तो उस तरीके से पेन फील होता है, इसे ही प्लूरिसी कहते हैं हम।
इसमें ब्रानिया एंटीमटाइड वेल नोन मेडिसिन है। अगर वेल नोन मेडिसिन भी फेल हो जाएँ, क्योर ना कर पाएँ, तो उसमें हमें एब्रोटिनम के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों इसमें देखा जाता है कि जो बॉयज़ होते हैं उनमें हाइड्रोसील की दिक्कत शुरू हो जाती है, जो खास करके इन्फेंट अभी तुरंत पैदा हुए हैं या एक दो दिन के हैं, उनके नेवल से उनकी नाभि से ब्लीडिंग होने लगे, उसमें भी मेडिसिन अच्छा काम करती है। तो दोस्तों यही कुछ इसके खासम खास सिम्टम्स थे, इसी पे पूरी मेडिसिन बेस्ड है, यही इसका सिम्टम्स हैं सारे। अब बात करें कि सिम्टम्स आप इसके GIT की बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें, या रूमेटिज्म की बात करें, सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं, इसी इन्हीं सिम्टमों के बीच में घूमती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके एग्रावेशन एम्लियोरेशन के बारे में, जो कि वो भी बहुत छोटा सा है। एग्रावेशन होगा मैंने बताया, इसे चिली पेशेंट है तो उसे ठंड से एग्रावेशन होगा, मैंने पहले ही आपको शुरू में ही बता दिया कि चिली है तो उसको दिक्कत होगा ठंड से। दोस्तों इसे रात में दिक्कत होता है, नाइट से दिक्कत है इसको, एग्रावेशन होता है। बात करते हैं एम्लियोरेशन की, इसे आराम किस चीज़ से फील होता है, इसे मोशन में आराम फील होता है, चलेगा तो आराम फील होगा इसको। दोस्तों यह आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है, तो बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।